सभी वस्तुएं जो है पानी में तैरती है या नहीं तैरती है। उसके लिए हमने क्या किया, एक बीकर में हमने 200 ml पानी ले लिया है, ठीक है। और हमारे पास क्या क्या सामान है, एक हमारे पास की है, चाबी है, एक सिक्का है, लकड़ी का टुकड़ा है, प्लास्टिक की कैप है, और साथ में हमारे पास लीफ है, एक पत्थर है और कपड़े का टुकड़ा है। अब हम बारी बारी इन सबको डालेंगे और देखेंगे कि इनमें से कितने पदार्थ हैं जो पानी में डूब जाते हैं और तैरते रहते हैं। सबसे पहले हम लेंगे चाबी और इसको पानी में डालेंगे। अरे ये तो पानी में डूब गई। अब दूसरा हमने लिया है सिक्का, कॉइन लिया है, इसको पानी में डाल के देखेंगे तो ये भी पानी में डूब जाएगा। क्या लकड़ी तैरेगी, देखते हैं डाल के। बिल्कुल सही कहा आपने, लकड़ी तो पानी पे तैरना शुरू कर दी। अब हमने प्लास्टिक की कैप ली है तो उसको हमने डाला तो ये भी पानी में तैरने लग पड़ी, ठीक है। हमारे पास ग्रीन लीफ है, अब इसको डाल के देखते हैं कि ये क्या करता है, तो ये भी पानी में तैर रहा है। हमारे पास स्टोन है, पत्थर है, अब हम इसको पानी में डाल के देखेंगे कि ये तैरेगा या डूब जाएगा, तो ये भी पानी में डूब गया। हमारे पास कपड़े का टुकड़ा है, इसको पानी में डाल के देखते हैं तो ये भी पानी के ऊपर तैर रहा है। तो बच्चों बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं।